नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को कट्टरवाद जैसी सोच और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है, ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। विज ने आज राष्ट्र में फैले हुए और राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व में फैले हुए आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि जब ऐसी सोच और आतंकवादी इकट्ठा हो सकते हैं तो राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते। विज ने कहा कि ये सही समय है और यही वो वक्त है जब सभी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों को, राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हैं, उन्हें खुलकर सामने आकर इन आतंकवादियों का और आतंकवाद का कड़ा विरोध करना है। क्या कुछ कहना है विज का, आइए आपको सुनवाते हैं। एकजुट होने का समय आ गया। जब सारे विश्व के आतंकवादी इकट्ठा हो सकते हैं तो आतंक से ग्रसित और आतंक का विरोध करने वाले लोगों को भी अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब कभी फ्रांस में कोई घटना होती है, अगर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता है तो उसको सजा देने के लिए कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून हाथ में लेकर लोगों की हत्या करने का सारे विश्व में एक अभियान चला दें। इसलिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, देशों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस आतंकवाद नामक या कट्टरवाद जो सोच है उस पर प्रहार करना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान में भी एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और बांग्लादेश में फेसबुक की पोस्ट पर फैली अफवाह के बाद हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर भी विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसमें क्या कुछ कहा है विज ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। में मूर्ति विसर्जन जो था उसको लेकर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई, बांग्लादेश में भी जो है वो फेसबुक पोस्ट को लेकर हिंदुओं को घेरा गया। नहीं, सारे सभी स्थानों पर राष्ट्रीय के वियना में भी हमला हुआ है, फ्रांस के नीस में हमला हुआ है, हिंदुस्तान में भी जगह जगह पर। ये समय है कि जो राष्ट्रवादी सोच की शक्तियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनको खुले में आकर इसको कंडेम करना चाहिए, इसको इसका विरोध करना चाहिए। अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।